भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय लगातार इस प्रक्रिया में है कि किस तरह वो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाए। इसके लिए वो लगातार आधुनिक और ताकतवर हथियारों की खरीद के साथ साथ देश में भी हथियारों के निर्माण में जुटा हुआ है। हथियारों के निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों के साथ साथ देश की भी तमाम कंपनियां काम कर रही हैं। यह खबर भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत के बारे में है। खबर के मुताबिक भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 नई पनडुब्बियों को हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसका लागत कुल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। अब नौसेना ने उन सभी विदेशी विक्रेताओं के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है जिन्होंने इस बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने में रुचि दिखाई थी। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ऐसी 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का निर्माण करवाना चाहती है जो फिलहाल मुंबई की मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बन रही स्कॉर्पियन सबमरीन से 50% बड़ी हो। इन नई 6 पनडुब्बियों के लिए नौसेना का प्रस्ताव है कि ये सबमरीन 500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से लैस हो। अब जो भी विदेशी विक्रेता इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के इच्छुक है उनके लिए प्राथमिक मसौदा जारी कर दिया गया है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिशों में लगी रहती है। जिस तरह चीन साउथ चाइना सी के बाद हिंद महासागर में अपनी धमक बढ़ाने की फिराक में रहता है, उसे देखते हुए नेवी के पास अत्याधुनिक हथियारों का होना बेहद जरूरी है ताकि भारत के सामरिक हितों की रक्षा की जा सके। अब प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो आपको जान लेना चाहिए कि प्रोजेक्ट 75 में पहले भी 6 पनडुब्बियों के निर्माण का काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस की मदद से भारत को 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी मिलनी है, जिसमें से भारत को 4 पनडुब्बी INS कलवरी, खांडेरी, करंज पहले ही मिल चुकी है। इन अत्याधुनिक पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत समुद्र के अंदर चुपके से दुश्मनों को ठिकाने लगा देने की क्षमता है। ये पनडुब्बी खुफिया जानकारी हासिल करने में माहिर होते हैं। इतना ही नहीं, ये माइंस बिछाने, परमाणु हथियारों से हमला, एरिया सर्विलांस जैसे खासियतों से पूरी तरह लैस होते हैं। स्कॉर्पियन सबमरीन की पनडुब्बी में से पहली INS कलवरी को 2015 में लॉन्च किया गया और 2017 के अंत में उसे सेवा में लगाया गया था। पनडुब्बी का निर्माण रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा किया जा रहा है। MDSL ने देश के सामरिक हितों को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में पनडुब्बियों और जहाजों के निर्माण और वितरण की गति बढ़ाई है। ऐसे में नौसेना इस नए प्रोजेक्ट के साथ सामने आई है। यकीनन इन हथियारों के भारतीय नौसेना में शामिल होने से समुद्र में भारत की मारक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।